हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगी आपके साथ फ्यू टिप्स ऑन हाउ टू ग्रो योर नेल्स। ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी हैं जो आपको बिल्कुल 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 हेल्प करेंगे अपने नेल्स को हेल्दी ग्रो करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरे नेल्स जो हैं वो कितने बड़े हुए हैं अभी तक। तो दीज आर माई नेल्स, यू कैन सी। तो इस हाथ पे मैंने नेल पेंट अप्लाई करा हुआ है, यू कैन सी विद नेल पेंट एंड विदाउट नेल पेंट, कि ये मेरे अपने खुद के ओरिजिनल नेल्स हैं, फेक नेल्स नहीं हैं। सो ये ग्रो करने के लिए बहुत इजी है, ये आपके 1 मंथ 30 to 40 days में बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो हो जाएंगे। उसके लिए बस आपको कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। सो सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूंगी नेल्स ग्रो करने के लिए वो ये है, डू नॉट यूज़ एनी प्रोडक्ट ऑन दैट, बिकॉज What happens is अगर आप उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की वजह से वीक हो जाते हैं। इतने ज़्यादा यू सी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यू कैन हेयर द वॉइस, तो इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन टू ब्रेकेज हो जाएंगे। सो डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट ऑन योर नेल्स, लाइक कोई भी ऑयल अप्लाई करने की नीड में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो आपकी ग्रोथ है वो नेचुरली होगी। तो किसी भी ऑयल की वजह से कोई ग्रोथ इन्हांस नहीं होगी, नेल्स अपने आप ग्रो करेंगे लाइक हेयर। सो उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई मत करना। टिप नंबर 2 इज़ कि आप जो है वो थोड़ी सी पेशेंस रखो। बाल बढ़ने में जैसे टाइम लगता है, वैसे नेल्स बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत कम टाइम लगता है, 1 मंथ का टाइम लगता है। तो 1 मंथ के लिए पेशेंस रखो, कुछ भी उसके ऊपर अप्लाई मत करो एंड यू विल सी द रिजल्ट। थर्ड टिप इज़ कि यू शुड हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर नेल्स। जब हम नहाते हैं ना, या हम कपड़े धोते हैं, कोई भी पानी वाला काम करते हैं, तो तब क्या होता है, हमारे नेल्स जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं वाटर के कॉन्टैक्ट में, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि उस टाइम पर उनके टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बस आप कोशिश करो कि तब आप जो अपने नेल्स की थोड़ी एक्स्ट्रा टेक केयर करो, सो दैट वो साइड में से यहाँ से टूटेंगे नहीं। एंड जो नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी गाइस वो ये है कि अगर कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि ऐसे नेल्स बड़े होते हैं, ये वो कभी यहाँ साइड में से जो है वो टूट जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसमें आपको अपना पूरा नेल कट करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप फाइलर लो, नेल फाइलर, एंड देन आप उसको कॉर्नर से फाइल करना शुरू करो। आप उसको इतना ज़्यादा फाइल करो यहाँ से कि वो उस पॉइंट तक रीच हो जाए जहाँ तक वो कट टला है। तब उसको जब फाइल करोगे तो वो होगा, वो आपकी नेल की लेंथ बचा लेगा एंड जो आपकी शेप ख़राब हो जाएगी एक साइड से फाइल करने की वजह से, डोंट वरी अबाउट दैट, विद इन अ वीक और टू वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। सो इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो अपना एक नेल टूटने से, बचाने से, बिकॉज अगर एक टूट जाएगा तो हैंड्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ऑड लगेंगे एंड उसकी वजह से क्या होगा कि आपको सारे या तो कट करने पड़ेंगे या वो एक नेल लेके ऐसे घूमना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है गाइस, इफ़ यू वांट कि आपके नेल्स ऐसे वाइड फॉर्म में ग्रो करें, आगे से वाइट हों, तो आपको क्या करना है कि आप जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तो आप उनके ऊपर कोई भी तरह का नेल पेंट लगाना थोड़ा अवॉइड करना। वंस इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, बट रोज़ नेल पेंट कैरी मत करना, बिकॉज उससे क्या होता है जब नेल्स ग्रो करेंगे तो वो थोड़े ना येलोइश फॉर्म के ग्रो होते हैं, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, इतने ज़्यादा वाइट नहीं रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके नेल्स हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, थोड़े से वाइटिश रहें, तो आप उसके ऊपर तब कोई नेल पेंट अप्लाई मत करना। जब वो बड़े हो जाएँ तो ऑब्वियसली वाई नॉट टू फ्लॉन्ट इट, आप बिल्कुल नेल पेंट लगाओ एंड सब कुछ करो, नेल आर्ट कराओ एंड डेफिनेटली फ्लॉन्ट इट गाइस। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अबाउट नेल्स, मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा यू नो टेंशन लेते हैं, डिप्रेस से हो जाते हैं कि मेरे नेल्स क्यों नहीं बढ़ते हैं, या नेल्स ग्रो करने के लिए कोई टिप्स दो, या मैं अपने नेल्स पे क्या लगाऊं जिससे वो बढ़ जाएं। तो इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस, डोंट कॉम्प्लिकेट। लाइक आई ऑलवेज सेज, हम जितना लाइफ में चीज़ों को सिंपल रखेंगे वो उतनी ज़्यादा सिंपल रहेंगी, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा इंक्लूड करने की या कॉम्प्लिकेट करने की लाइफ को ज़रूरत नहीं होती है। सो जस्ट कीप थिंग्स सिंपल एंड सिंपल थिंग्स वर्क्स द बेस्ट। सो दिस वॉज द वीडियो ऑल अबाउट गाइज, आई होप सबके नेल्स बड़े हों, एंड डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैंने नीचे मेंशन करा हुआ है, यू कैन सेंड मी मैसेज देयर एंड शो मी द पिक्चर्स ऑफ योर नेल ग्रोथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।